अधिकांश लोग लॉटरी जीतने पर क्या करना है उसका प्लान तैयार रखते हैं और सभी की सूची एक समान ही होती है। घर खरीदेंगे, कर्ज चुकाएंगे, दान देंगे और कुछ बचेगा तो एक शानदार कार खरीदेंगे और फिर दुनिया घूमेंगे। तो फिर जिनके लिए पैसा अथाह है वो क्या खरीदते होंगे? असल में वो लोग एकदम हास्यास्पद चीजें खरीदते हैं। तो पेश है करोड़पतियों द्वारा खरीदी गई सबसे महंगी लेकिन बेकार चीजें। 3 मिलियन डॉलर विंडो। ये तो मैं जानता हूँ कि घर से अच्छा नजारा देखने के लिए करोड़पति बहुत खर्चा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक खिड़की के लिए बेशुमार पैसा खर्च करना तो पागलपन है। माना कि ये खिड़की है जिसे JFK के हत्यारे के निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसमें और भी पागलपन वाली ये बात है कि ये खिड़की असली है या नकली, इस बात का कोर्ट में केस चल रहा है। तो मुमकिन है कि किसी रईस ने एक मामूली और बेकार खिड़की पर $30 लाख खर्च कर दिए हैं। $3 करोड़ वाली द विंची की विज्ञान पत्रिका। यदि आप बिल गेट्स हैं और आप कुछ भी खरीदने की हैसियत रखते हैं, इसलिए वो किस चीज पर पैसा खर्च करता है ये जानना रोचक होगा। उन चीजों में से एक है द विंची की एक ओरिजिनल साइंटिफिक नोट्स का एक वॉल्यूम, जिसके लिए गेट्स ने पूरे $3 करोड़ चुकाए। जाहिर है ये दस्तावेज ऐतिहासिक तौर पर अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी काम के नहीं, क्योंकि इनकी गुप्त भाषा को पढ़ा नहीं जा सकता और ये इतने जर्जर हो चुके हैं कि हाथ लगाने में भी डर लगता है। खैर, फिर भी इस सूची के दूसरे उदाहरणों से तो बेहतर खरीद है। $13 लाख का स्वर्ण टॉयलेट पेपर। मजाक में कहा जाता है कि यदि आपको करोड़पति होने का एहसास करना है तो ऐसे टॉयलेट पेपर खरीदिए जिन पर डॉलर छपे हुए हों। कुछ करोड़पति इस बात को एकदम आगे ले गए और शुद्ध सोने से बने टॉयलेट पेपर खरीदने लगे हैं, और ये 22 कैरेट और 2 प्लाई वाले पेपर पूर्णतः काम करते हैं, लेकिन साधारण टॉयलेट पेपर की तरह। ये सिर्फ उन मेहमानों को प्रभावित करने के लिए हैं जो कि आपके बाथरूम में जाते हैं। उसके बाद $13 लाख से खरीदे हुए इन पेपर्स का एक हिस्सा फ्लश करके बहा दिया जाता है ना, नहायत ही बेकार खर्चा। $2.5 लाख की सोने की शर्ट। अधिकतर लोग जब कपड़े खरीदने जाते हैं तो वहाँ कपड़े ढूंढते हैं जो कि कंफर्टेबल और पहनने में आसान हो, कम से कम पहनने में खतरनाक ना हो। लेकिन एक करोड़पति जो अपने आप को द गोल्ड मैन कहता है, ना सिर्फ एक टी शर्ट पर $2.5 लाख खर्च कर दिया उसने, क्योंकि वो सोने का बना था। इस शर्ट को बनाने में 15 दिन लगे और इसमें एक तरफ वेलवेट लगा हुआ है जिससे ये पहनने में अत्यंत भारी और कष्टदायक है। केवल इतना ही नहीं, इसे कभी धोया नहीं जा सकता, इसलिए आप जब चाहें इसको पहन भी नहीं सकते। $15,000 की हजामत। मुझे गलत मत समझिए, आखिर बाल कटवाना तो एकदम व्यवहारिक बात है, लेकिन जिस तरह इस व्यक्ति ने कटवाए वो तो सनक की चरम सीमा थी। जब ब्रुनेई के सुल्तान ने अपने बाल कटवाने का फैसला किया तो उसको स्थानीय नाई के बजाय केवल एक अंग्रेज नाई से बाल कटवाने की सनक चढ़ी। सुल्तान ने लंदन में एक नाई को $15,000 दिए। उसे लंदन से 7,000 मील का हवाई सफर करवा कर अपनी हजामत बनाने के लिए आमतौर पर वो नाई $30 लेता है। ये तो बेइंतहा ऊंचा दाम है ऐसी चीज के लिए जिसमें सिर्फ एक घंटा लगता है, एकदम फालतू खर्च। टाइगर शार्क। आप ऐसे किसी व्यक्ति को क्या दे सकते हैं जिसके पास सब कुछ है? शायद एक असली टाइगर शार्क जिसको 2 टुकड़ों में काट कर फॉर्मल्डिहाइड में लटकाया हुआ हो। मुझे पता है ये सुनने में घिनौना लगता है, लेकिन इस शार्क को डेमियन हर्स्ट ने एक कलाकृति का रूप दिया हुआ है और इसे उन्होंने $93,000 में खरीदा था। ये वैसे ही महंगा सौदा था, लेकिन फिर अरबपति हेज फंड मैनेजर स्टीव कोहेन ने इस शार्क को $80,000 में खरीद लिया। अब मैं जानता हूँ कि कलाकृति बेकार नहीं होती, लेकिन याद रखिए ये केवल एक कटी हुई शार्क है और ये सड़ रही है भले ही धीरे धीरे, इसलिए ये हमेशा रहने वाली भी नहीं है। सुपर जंबो जेट। करोड़पतियों के लिए निजी विमान खरीदना एक आम बात है, और यदि आप हमेशा यात्रा कर रहे होते हैं तो ये बेकार भी नहीं है, लेकिन सऊदी शाही परिवार के एक सदस्य ने कुछ ऐसी विचित्र व्यवस्था करवाई जो मुझे नहीं लगता कि वो कभी इसका उपयोग भी करेगा। आप सोचिए, उससे पहले तो ये 31.9 करोड़ का डबल डेकर जंबो जेट खरीदा और फिर उसमें बदलाव करके उसके घोड़ों दो रोल्स रॉयस कार्स को साथ ले जाने की जगह बनवाई। इस सब की कुल कीमत 50 करोड़ से भी ऊपर हो गई। मुझे शक है कि उसको ऐसी किसी भी जगह से न्योता आएगा जहां उसे पशुओं का झुंड और 2 कार ले जानी पड़े, तो ये बेकार की व्यवस्था है। $32 लाख का कुत्ते का गले का पट्टा। सभी को कुत्तों से प्यार है, आखिर इसको मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त भी ऐसे ही नहीं कहा जाता, लेकिन मैं चाहे जितने भी पैसे उड़ाऊं एक कुत्ते के गले के पट्टे के लिए $32 लाख शायद कभी खर्च नहीं करूंगा। जी हाँ, आपने सही सुना, अमोर पट्टा 52 कैरेट का है और इसमें 1600 हीरे जड़े हुए हैं। ये रकम ऐसी चीज के लिए जिसे कुत्ता या तो गंदा कर देगा, मौका मिलते ही उतार फेंकेगा या फिर पहनने से मना कर देगा। $14,000 का हीरो का टी बैग। टी बैग्स को केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए उन पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने का विचार एकदम फिजूल है। लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई है जिसके पास $14,000 का टी बैग है? जो पीजी टिप्स कंपनी द्वारा अपनी 75वीं वर्षगांठ पर बनाया गया था। इस बैग में 280 हीरे जड़े हुए हैं और ये काम करता है, लेकिन एकदम बेकार है क्योंकि इसको इस्तेमाल करने का मतलब सारा पैसा पानी में बहाना है। ठोस सोने की लेगो ब्रेक।
क्या किसी इकलौती लेगो ब्रिक से ज्यादा बेकार भी कोई चीज है? लगता है हाँ कुछ है, और वो है एक ठोस सोने की 14 कैरेट की इकलौती लेगो ब्रिक। इसका वजन 265 ग्राम है और आप इस बिक्री को किसी भी सामान्य लेगो ब्रिक की तरह उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप इसे साधारण प्लास्टिक की लेगो ब्रिक के साथ मिक्स नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप अपनी कृति में लगी हर लेगो ब्रिक के लिए यदि $14,000 खर्च करने को तैयार नहीं है तो ये अकेली सोने की ब्रिक के भाग में कभी भी काम आना लिखा ही नहीं है। $13,00,000 का सर्फ बोर्ड। सच बताइए, आपने कभी हाथ से बना हुआ सर्फ बोर्ड $13,00,000 में खरीदा तो क्या उसकी सवारी करेंगे? शायद आपका जवाब ना में होगा। ये बस दीवार पर ऐसी जगह टंगा रहेगा जहां इसके गंदा होने का या टूटने का खतरा ना हो। इस वास्तु की मजेदार बात यह है कि इसको बनाने वाला इस बात पर अड़ा रहा कि ये बेकार नहीं है और इसको शानदार सवारी करने के लिए बनाया गया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके तले में शुद्ध सोने से चित्रित ये शेर सवारी में क्या काम आएगा। $75,00,000 का पोकर सेट। पोकर पैसे गंवाने का सबसे बड़ा तरीका है, इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ करोड़पतियों ने पोकर सेट पर से ही पैसे बहाने की ठान ली। दुनिया के सबसे महंगे पोकर सेट में प्लैटिनम चढ़े हुए ताश के पत्ते हैं और सोने की सफेद चिप्स हैं, जिस पर माणिक, सफेद और काले हीरे, पन्ना और नीलम जुड़े हुए हैं। नतीजतन इस सेट की कीमत आपकी दौलत से $75,00,000 कम कर देगी। मतलब आपको चिप्स पर तो पैसों का दाव लगाने की जरूरत ही नहीं है। बर्फ के लग्जरी क्यूब। अब $325 तो किसी करोड़पति के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है कुछ खरीदने के लिए, लेकिन यदि मैं आपको कहूं कि इतने पैसे 50 बर्फ के क्यूब से भरे एक बैग की कीमत है तो जी हाँ, करोड़पति एक लग्जरी आइस क्यूब के बैग के लिए $300 खर्च करते हैं। इससे ये बिना स्वाद के बने रहने के बावजूद आपके ड्रिंक को ठंडा रखेंगे। इस हिसाब से हर क्यूब की कीमत $6.5 है, जो निश्चित ही उस ड्रिंक की कीमत से ज्यादा है। गोल्डन बुलियन माउस। आपको इस सोने के माउस के लिए $3,600 खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन मजे की बात यह है कि ये कंप्यूटर माउस असली सोने का बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब करोड़पति एक बिल्कुल साधारण माउस के इतने पैसे सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि इसका नाम गोल्ड बुलियन माउस है। इससे अच्छा तो आप सोने का स्प्रे पेंट अपने साधारण माउस पर ही कर दीजिए तो काफी पैसे बचा लेंगे, आखिर में आपको मिलेगी वही चीज। क्रिस्टल का स्नान टब। मैं जानता हूँ कि दिन भर की थकान के बाद पानी में डुबकी लगाकर पड़े रहने से असीम आनंद मिलता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि क्रिस्टल से जुड़े हुए एक स्नान टब पर $2,27,000 खर्च करके आपको नहाने का आनंद बढ़ जाएगा। इस टब को बनाने में 200 से ज्यादा घंटे लगते हैं क्योंकि प्रत्येक स्वारवस्की क्रिस्टल को एक एक करके लगाया जाता है और अंत में आपको मिलता है ये नुकीला टब जिससे आप कभी भी आते जाते टकराना नहीं चाहेंगे। अगर ये अधिक पागलपन नहीं था तो और सुनिए, आप ऐसा ही टब कुत्ते के लिए भी खरीद सकते हैं $7,000 में, जबकि अधिकांश कुत्तों को नहाना पसंद ही नहीं होता। सुप्रीम ईंटें। ये वाक्यांश डिजाइनर ईंट सुनने में इतना बेवकूफाना है कि ये वास्तविक लगता ही नहीं, लेकिन यकीन मानिए सही है। सुप्रीम नामक प्रसिद्ध डिजाइनर कंपनी ने जब अपना लोगो ईंटों पर बेचना चाहा तो लोगों ने उसे खरीदने के लिए लंबी लाइनें लगा दी। हालांकि ये ईंटें किसी भी काम की नहीं जब तक आप इससे घर बनाने का नहीं सोचते। उस समय ये केवल $30 की एक थी जो कि एक ईंट के हिसाब से बहुत अधिक है, लेकिन उन्होंने इसकी मांग को देखते हुए इसकी कीमत बढ़ा दी और अब ये 2400 घन फुट का घर बनाने के लिए आपको $47,04,000 खर्च होगा। बेहतर है साधारण ईंट से घर बनवा लीजिए। डिजाइनर पेपर बैग। जिल सैंडर एक मानी हुई फैशन डिजाइनर है और उनका नाम जुड़ने से किसी भी चीज की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन कितनी कीमत? तो उन्होंने जब एक कागज के बैग को डिजाइनर रूप दे दिया तो वो लगभग $290 में बिका। हालांकि उस बैग में सिलाई से धार बनाई गई है और ये बहुत ही टिकाऊ मटेरियल से बना है, इसलिए ये आपके साधारण पेपर बैग से अधिक लंबा चलेगा। फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये अपनी कीमत जितना लंबा चल सकता है, चाहे डिजाइनर लोगो हो या फिर ना हो, ये $290 में बिका। प्राडा पेपर क्लिप। पेपर क्लिप एक ऐसी चीज है जो आप थोड़े से पैसों में ढेर सारी खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ करोड़पतियों का काम साधारण पेपर क्लिप से नहीं चलता, यकीन नहीं आता। तो आप जान लीजिए कि प्राडा द्वारा निर्मित लग्जरी पेपर क्लिप काफी मांग में है और ये $185 की एक है। प्राडा भी अपनी जगह सही है क्योंकि उसका कहना है कि असल में ये पेपर क्लिप्स नहीं है बल्कि मनी क्लिप्स है जो नोटों की गड्डियों को बांधने के लिए है। इसका मतलब आप केवल इसलिए पैसे बर्बाद कर रहे हैं ताकि आप अपने बाकी पैसों को ठाट से ले जा सकें। शनेल बूमरैंग। जब मैं ऐसी किसी चीज के बारे में सोचता हूँ जो ज्यादा उपयोग में नहीं आती तो सबसे पहले बूमरैंग का ही नाम दिमाग में आता है, लेकिन यदि आप करोड़पति हैं और इसके बिना नहीं रह सकते तो $1,325 कीमत की शनेल की बूमरैंग शायद आपके लिए उपयुक्त है। ये आइटम उनके 2917 स्पोर्ट्स वियर रेंज का हिस्सा थी। ये विवाद में भी रही क्योंकि कीमत अधिक थी और कथित तौर पर एक सांस्कृतिक धरोहर को हथिया लिया गया था। सोने का डोमिनो सेट। कभी आपको ऐसा लगा कि आपका डोमिनो सेट मजेदार नहीं है? मुझे भी नहीं लगा, लेकिन यदि आपको लगा तो ये $1,53,000 का सेट कैसा रहेगा जो पूरा ठोस सोने से बना है और हर एक पर हीरे जड़े, कुल मिलाकर 15 कैरेट के 168 श्वेत हीरे जो कि 18 कैरेट का 2.4 किलो सोना है। यदि आपको डोमिनोज का जुनून है तब भी ये एकदम बेकार चीज है, लेकिन बात यही है कि आपने आखिरी बार किसी को खेलते हुए देखा ही कब था।
बारबी के लिए हीरों का हार। कीमती आभूषणों पर पैसे खर्च करना बेकार है, लेकिन कम से कम आप उन्हें पहन तो सकते हैं। लेकिन इस करोड़पति ने पूरे $3,00,000 लुटा लिए एक कैरेट के एक चौकोर कटे हुए गुलाबी हीरे के हार पर, जिसे वो एक अंगूठी की तरह भी नहीं पहन सकता। सोच में पड़ गए। ये नेकलेस असल में एक गुड़िया के लिए बनाया गया था और एक नीलामी में बारबी के गले के लिए खरीदा गया। अब ये बिक गया, ये अच्छी बात है क्योंकि सारा पैसा दान कर दिया गया। लेकिन आखिर किसी को इसका उपयोग क्या हो सकता है? $4,50,000 की घड़ी। महंगी घड़ियां कोई नई बात नहीं है और ये शायद करोड़पतियों द्वारा खरीदी हुई सबसे उपयोगी वस्तुओं में से एक है। ये वाजिब है। अब इस घड़ी की कीमत $4,50,000 है और इसकी कीमत से इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि वो समय कितना सही दिखाती है। तो फिर इसकी ऐसी खतरनाक कीमत क्यों है? तो जान लीजिए, इसका पट्टा उस धातु से बना है जो अपोलो यान 11 को पिघलाकर हासिल हुई थी और इसमें वास्तविक अंतरिक्ष यात्रियों की पोशाक से निकले धागे परोए गए हैं। केवल इतना ही नहीं, इसका मुखड़ा चंद्रमा की वास्तविक मिट्टी से बना है जिसे पिघलाकर कांच बनाया गया है। ये तो शानदार चीज लगती है, खासकर यदि आपको अंतरिक्ष ज्ञान का जुनून है। लेकिन इसका उपयोग उस घड़ी से कुछ भी अलग नहीं है जिसे आप इसकी कीमत के एक अंश से खरीद सकते हैं। सोने का टॉयलेट। मैं टॉयलेट में पैसे बहाने का मजाक पहले ही उड़ा चुका हूँ, लेकिन अगर कोई टॉयलेट खुद ही पैसों की बर्बादी हुआ तो ये टॉयलेट पूरी तरह से काम करता है और 18 कैरेट के ठोस सोने से बना हुआ है। कीमत का अंदाज तो आप लगा ही सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक ऐसी कलाकृति है और इस्तेमाल के लिए बनी है, लेकिन ये जताने के लिए जरूर बना है कि बेकार चीजों पर पैसा खर्च करना कैसी मूर्खता है। और अब सबसे खास बात, इसका नाम अमेरिका है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हीरे के कॉन्टेक्ट लेंस। यदि आप अपनी आंखों में हमेशा एक चमक चाहते हैं तो ये कॉन्टेक्ट लेंस आपके काम आ सकते हैं। शेखर आई रिसर्च सेंटर ने हीरे जड़े हुए कॉन्टेक्ट लेंस बेचना शुरू कर दिए हैं और एक जोड़ा खरीदने पर आपके खाते में $15,000 कम हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि ये हीरे आपकी दृष्टि को प्रभावित नहीं करते, इसलिए आप इन्हें पहनकर पूरी तरह से देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये आपकी नजर में कोई सुधार भी नहीं है, इसलिए ये बेकार है। इन्हें केवल फैशन के लिए पहना जाता है, लेकिन ये आपको डरावना बना देते हैं, इसलिए इस मामले में बेकार साबित होते हैं। क्या आपको इस सूची में कोई आइटम पसंद नहीं आई? और आपने आज तक सबसे बेकार चीज क्या खरीदी है और उसकी कितनी कीमत चुकाई है? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।